हाई एंड वेलकम बैक फ्रेंड, दिस इज वसीम। और आज के इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस में जो मैंने आपके लिए कॉन्वर्जेशन मुंतखब की है वो है कि जब कोई किसी के लिए कुछ कुकिंग करता है, प्रिपेयर करता है, खाना बनाता है, खाना बना के उसको किसी को मदु करता है, दावत देता है और खाने की बारे में गुफ्तगू होती है कि खाना कैसा था, क्या था, किस तरह था। तो खाने के बारे में जब आप तारीफ करते हैं, यानी प्रेजिंग अबाउट फूड होता है, यानी डिस्कशन करते हैं फूड के बारे में, तो उस पर हमने क्वेश्चंस बनाए हैं और उसके आंसर्स भी हैं। तो दो जो हैं टॉकर्स जो हैं आपस में एक बातचीत करेंगे, तो आप इनको अच्छे से जहन में बिठाएं और आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। राइट, तो चलते हैं लेसन की तरफ। हाउ वॉज द फूड? ओह रियली, दैट वॉज सुपर्ब। डिड यू प्रिपेयर द फूड? हाँ, तो क्या है कि खाना कैसा था? तो हाँ, वाकई खाना लाजवाब था। क्या आपने बनाया था? Yes, I made this in the afternoon. Would you like to have more? Only a little more. I am already full. हाँ, यानी हाँ, मैंने आज ये दोपहर में बनाया था। क्या आप थोड़ा और लेना चाहेंगे? तो क्या कहते हैं, बस थोड़ा सा, मेरा पेट पहले ही भर गया है। Taste the dessert as well. What is for dessert? यानी थोड़ा मीठा चख लें। तो उसका सेंस क्या था कि मीठे में क्या है? Your favorite chocolate cake. Wow, you have made me elated today. आपकी पसंदीदा है क्या है? चॉकलेट केक। अरे वाह, आज तो आपने मुझे खुश कर दिया। Thank you. Yes, today is dedicated to you. You are really nice. Shukriya, aaj ka din aapke naam. तो उसके आंसर में क्या कहा कि आप बहुत अच्छी हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेसन आपको पसंद आया होगा और मैं यही कहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मैं ये कहता हूँ कि ज्यादा ज्यादा मेरे लेसन को दूसरों के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा ज्यादा लोग इससे फायदा उठाएं और आप दूसरों के काम भी आए और अपनी इंग्लिश भी अच्छी करें। और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीजों के साथ। बाय बाय।